हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ लौकी का हलवा बनाने की रेसिपी। अगर आप हलवे का कुछ अलग तरह का टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत 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 यमी बनता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए। आप इसे जब चाहे तब इसे बना सकते हैं। और इसको चलिए बनाने की इसकी रेसिपी अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये 250 ग्राम, अप्रॉक्स 250 ग्राम के लौकी। इसको इसके एंड्स कट करके और इसको मैं पील कर लूँगी। पील करके हमें इसको ग्रेट करना है। ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाला ग्रेट नहीं करना है, ये नॉर्मल ग्रेटर है, नॉर्मल साइज़ का ग्रेट होगा, वही हमें करना है। ये देखिए सारा लौकी मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह से। इसके साथ ही हमें लेना है ये 6 इलायची और ये बादाम, और लिया है आधा कटोरी चीनी, और ये है 2 चम्मच घी। कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे लौकी, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसी तरह से हम इसको भूनेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 250 ग्राम लौकी के लिए 1 लीटर दूध। दूध ऐड करके हम हाई फ्लेम पर इसको एक बॉईल आने तक पकाएंगे। ये बॉईल आ चुका है। अब इसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे तब तक जब तक कि लौकी गल जाए और ये दूध अच्छे से रिड्यूस हो जाए। और एक बार चेक करेंगे 5 मिनट बाद। और इसमें मैं ये इलायची डाल दूंगी। इसको मैंने कूट लिया है, पीसा नहीं है, सिर्फ क्रश कर लिया है, और इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ही ढककर पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे हर 5 से 10 मिनट के बाद। और जैसे ही ये रिड्यूस होने लगेगा, देखिए ये लगभग 50% रिड्यूस हो चुका है। इसको हम इसी तरह पकाएंगे क्योंकि अभी लौकी गला नहीं है। तो फिर इसको फिर से हम ढककर स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए ये लगभग 80% तक हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप इसमें शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना मीठा आपको पसंद है। तो अब इस शुगर को मिक्स कर इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। अभी भी हमें फ्लेम स्लो ही रखना है। ये देखिए लगभग हमारा हलवा पकने वाला है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए इसी तरह पकाएंगे। अब हम इसे ढकेंगे नहीं, इसको लगातार चलाते रहना है। इस टाइम पर फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। बहुत आसान है ना, बहुत आसानी से देखिए बन जाएगा। और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेना है या आप ग्रेट कर लीजिए। मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए, अब हमारा हलवा लगभग बनकर तैयार है। हमें सिर्फ इसे 5 मिनट और इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है।
अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो चलिए अब हलवा तैयार है, इसे सर्व करते हैं। कितना यमी और टेस्टी लग रहा है ये, इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। लग रहा है ना कितना ही टेस्टी और ब्यूटीफुल। अभी इसी तरह से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरे हलवे की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।